नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2024 के महासमर की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी यूपी से एक बार फिर से चुनावी शंखनाद कर चुकी है। प्रदेश की 80 सीटों पर पार्टी की नजर है और इसीलिए मोदी और योगी की जोड़ी एक बार फिर से मैदान में उतर चुकी है। 2017 से लेकर 2022 तक इस जोड़ी ने बीजेपी को यूपी में बड़े चुनाव जिताए हैं और अब ये जोड़ी 2024 में उतरने को तैयार है। वही विपक्ष चुनावी तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ना ही विपक्ष के पास कोई नेता है और ना ही कोई रणनीति। अखिलेश यादव भी गठबंधन से अलग होने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष की यही तैयारी रही तो फिर मोदी योगी की जोड़ी से कैसे पार पाया जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि 2024 में क्या फिर से हिट होगी मोदी योगी की जोड़ी? मोदी योगी के सामने क्या विपक्ष मुद्दा विहीन है? विपक्ष बिना चेहरे के ही क्या मैदान में उतरेगा? अखिलेश यादव गठबंधन से क्या किनारा करेंगे? और मोदी योगी का करिश्मा क्या विपक्ष को सदमा देगा? ये वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी योगी का जलवा, विपक्षी एकता को लगा झटका, गठबंधन से अखिलेश को परहे, कैसे जीतेंगे 24 की रेस? ये जोड़ी सुपरहिट है, ये जोड़ी विपक्ष पर भारी है, ये जोड़ी जीत की गारंटी है। यूपी को जीतने के लिए ये जोड़ी फिर से मैदान में आ चुकी है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इस जोड़ी के सामने विपक्ष बेदम है। इतिहास गवाह है, 2017 में जब से ये जोड़ी यूपी में आई है, विपक्ष साफ हो चुका है और अब ये जोड़ी 2024 की तैयारी में जुट गई है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो इस जोड़ी ने बीजेपी को बड़े चुनाव जिताए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती और 41% वोट हासिल किया। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली और 40% वोट हासिल किया। 2019 में बीजेपी ने यूपी में लोकसभा की 62 सीटें जीती और 50% वोट हासिल किया। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इस जोड़ी ने प्रचंड जीत दिलाई। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का एक ही चेहरा है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम तैयार बैठा है। लोकसभा चुनाव जब भी होंगे, कमल ही कमल खिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष इस जोड़ी को रोकने की रणनीति बना रहा है। विपक्षी एकता को एक साथ लाने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन यूपी में उनके सहयोगी गठबंधन से दूर होने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश की बातों से भी साफ हो चुका है कि ये गठबंधन बोझ बनता जा रहा है। ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय बूमरैंग निकल जाते हैं। जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए, कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला है, तो चेहरा अगर कोई ला भी सकेंगे तो 2024 के बारे में नहीं कह रहे होंगे, वो 2029 के बारे में कह रहे होंगे। 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का एक ही चेहरा है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। अब सवाल यह है कि विपक्ष इस जोड़ी को कैसे रोक पाएगा, जब विपक्षी एकता ही बिखरती जा रही है। साथ आने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जब एक साथ आ रहा है तो दूसरा छिटक जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर KB त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा तारिक खान हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। मनीष जी, मैं आपके पास आऊँगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जोड़ी है, क्या वो फिर से एक बार कमल को खिलाने में सफल हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर दी है आपने अपने चुनावी अभियान की 2024 की, और ये जोड़ी फिर से हिट हो गया ऐसा दावा किया जा रहा है। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में बने और उत्तर प्रदेश का सहयोग उसमें 80-80 सीटों का हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। जिस तरीके से 9 साल में केंद्र सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, और जो राज्य का विषय है सड़क बिजली पानी और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, उसके आधार पर हमको पूरा भरोसा है कि जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उसी रूप में मिलेगा जैसे 14, 17, 19 और 22 में मिला है, और 80-80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्योंकि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो देश के इश्यूज तो ही है, साथ साथ पूरे विश्व में आज भारत की बात सुनी जा रही है, भारत का जो इंटरेस्ट है उसके आधार पर विश्व निर्णय ले रहा है, जो तमाम जो चुनौतियां थी सीमा पर उससे निजात मिली है, जो आतंकवाद एक बड़ा इशू था उसको कश्मीर तक सीमित करने का काम हमारी सरकार के दौरान हुआ है। पूर्व की सरकारों में क्या हालात थे, मुंबई हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, बनारस हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, बम विस्फोट होते थे। अखिलेश यादव की सरकार में तो ऐसे आतंकियों को छोड़ने की पैरवी हुआ करती थी। तो ये जो सरकारें थी उन्होंने हर मोर्चे पर भारत के हितों से समझौता किया था, प्रदेश के हितों से समझौता किया था, जनता के हितों से समझौता किया था, इसलिए जनता का गठबंधन अब भाजपा से हुआ जी। ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। डॉक्टर के वी त्रिपाठी, आपके पास आऊंगा, चूंकि सीधे तौर पर विपक्ष की अगर हम बात करें, जो पटना में मीटिंग हुई उसमें नेतृत्व कौन करेगा ये तो स्पष्ट हो नहीं पाया था। राहुल गांधी को लोग कहते हैं कि वो विपक्ष का चेहरा बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें एनसीपी की, तो वो भी टूटती हुई नजर आई। अखिलेश यादव भी मुंबई में कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर हम गठबंधन करें तो उसका फायदा ही हो, तो विपक्ष तो एक होने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। शुभम जी, विपक्ष के एक होने की जरूरत नहीं, दरअसल आज भारतीय राजनीति में जनता ही विपक्ष बन चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास है कि इस समय पूरी देश की जनता उनके मुखर विरोध में खड़ी हुई है। चेहरे की जरूरत जहां तक आप कहते हैं, तो आज मुद्दे हमारे चेहरे के रूप में है, ये भयभूत और भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भय पैदा करती है, इसके हर कदम में भ्रष्टाचार मिलेगा। 9 साल की बात अभी हमारे साथी मनीष शुक्ला जी कर रहे थे, क्या वो नोटबंदी को याद कर पाएंगे कि नोटबंदी की कितनी बरसी मना चुके हैं, क्या जीएसटी का आज क्या हाल है, अब जीएसटी को भी ईडी के साथ मर्ज करेंगे आप, और ईडी एजेंसी के रूप में क्या काम कर रही, एनसीपी के विधायक टूट के किस तरह से शामिल हो रहे हैं सरकार में, दो जगह बट रही है, इससे क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जनता भी ये सब देख रही है? जनता जान रही है कि आज केंद्र की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी पर यह सरकार बात नहीं कर सकती है, देश का युवा इस समय विपक्ष का चेहरा है, इस पूरे देश की महिलाएं आज विपक्ष का चेहरा है जो महंगाई से त्रस्त हैं, आज रसोई में जो भी चीजें यूज की जा रही है। ठीक है, मुद्दों की हम बात कर ही रहे हैं, बिल्कुल त्रिपाठी जी, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि चुनाव लड़ने के लिए तो चेहरे की आवश्यकता होगी, लेकिन अब गठबंधन आपका कहां पर टिक रहा है ये बड़ी बात है। चूंकि अखिलेश यादव भी मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि गठबंधन हो तो उसका फायदा ही हो, तो इस बात का क्या मतलब है? और भाई वो आपके साथ मीटिंग में, जो आप पीडीए लगातार जो चल रहा है, तो उसमें मीटिंग में मौजूद थे आपके साथ में, उनके मतलब का क्या मायना, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल शुभम जी, मैं बताता हूँ, दरअसल राजनीति में जो राजनीतिक दल होते हैं सभी चुनाव लड़ने के लिए, और सभी के अपने एजेंडे हैं, सभी उस पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम गठबंधन में आए या हम अकेले आए तो राजनीति में हम बेहतर करेंगे, तो इस पे भी अभी विचार चल रहा है। कांग्रेस भी लगातार अपने संगठन पर और अपने मुद्दों पर और अपने नेताओं पर काम कर रही है, और बहुत जल्दी इसके परिणाम सामने दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ठीक है, भुवन जी मैं आपके पास आऊंगा, सवाल यही है आपसे कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये जो बयान दिया है, इसका मैं आपसे मतलब समझना चाहूंगा, क्या मतलब है उनके बयान का?
देखिए शुभम जी, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि करके फिर आपकी बात का जवाब दे दूंगा जी। सबसे पहले तो ये जो 2024 का चुनाव है, हमारे लिए देश बचाने का, संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और जैसा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा है कि एनडीए को पीडीए हराएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर है, ये मिलके लोग उनको हराने का काम करेगा। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से अब आपके प्रश्न में आना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुख्य विपक्ष की जिम्मेदारी हमको दिया। यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में है और निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारी प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सहयोगियों को लेकर और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करेंगे। इसके लिए हम लोग लगातार, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है जाति जनगणना की मांग को लेकर, हम लोग धरातल पर है, हम लोगों ने काम करना शुरू किया। भुवन जी, उनके जो मुंबई का बयान है उस पर आप जवाब दे दीजिए। मैं उन्होंने कहा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर गठबंधन हो तो उसका फायदा ही हो, क्या मतलब है? बहुत बढ़िया शुभम जी। देखिए राजनीति में देश काल समय परिस्थिति बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती रहती है, उस समय का कैसा माहौल है। देखिए सब लोगों की अलग अलग, जितने क्षेत्रीय दल है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करें। उत्तर प्रदेश में हम लोग सेकंड मुख्य विपक्षी दल है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ पर से विदाई तय करें। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना बयान दिया। चलिए ठीक है, मैं आपके बयान से बहुत ज़्यादा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जिस तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब किया है। टीटू साहब, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आप भी अखिलेश यादव के साथ मिलकर आपने चुनाव भी लड़ा, साथ नजर आते रहे जयंत लगातार। जो पीडीए की जो बैठक हुई है, जो विपक्ष लगातार जो पीडीए की बात कर रहा, बड़ी सी होर्डिंग भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी रही, उससे आप क्यों अलग रहे? देखिए बात, बुलाया नहीं था जयंत चौधरी को या फिर गए नहीं थे? देखिए मैं, हर पार्टी की अपनी कार्यशैली, हमारी कार्यशैली एक है, हमने हमारी अपनी कार्यशैली को कभी बदला। चौधरी चरण सिंह पीडीए किसी एक पार्टी की का वहां पर नहीं था ना, वहां पर तो बहुत सारे दल थे। जो पटना में अभी बैठक हुई थी, नहीं तो पटना में जो बैठक हुई थी उसमें हमारे जयंत चौधरी जी उस टाइम बाहर थे और अच्छा। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं लेटर के जरिए भेजी थी और उनका ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम बना हुआ था विदेश का, अगर अच्छा। वो इंडिया में होते तो जरूर जाते, तो किसी प्रतिनिधि को भेज सकते थे अगर वो चाहते तो। मैं उसी बात कह रहा हूँ, इंद्रजीत सिंह टीटू उसमें शामिल हो सकते थे, बड़ा नाम है आप भी भाई पार्टी का। नहीं नहीं, ऐसा है वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया था और उन्होंने अपनी शुभकामनाओं में ये कह दिया था कि नहीं नहीं, बहुत सारे नेता थे, ना सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहां पर, संजय राउत मौजूद थे, उसके अलावा ठाकरे साहब के बेटे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ जाते हैं, उसके साथ मैं या मेरे जैसा कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता साथ चला जाता। अच्छा ठीक है, आप अखिलेश यादव के बयान का मतलब समझाइए। जो उन्होंने आज मुंबई में बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है, जरूरी नहीं है गठबंधन हो तो उसका फायदा मिले। देखिए मैं बताऊ आपको, चुनाव में ना अभी 9 महीने हैं और पल पल जो चीजें बदल रही है, हाँ। उन पल पल को बदल के किस परिपेक्ष में उन्होंने जवाब दिया, तो मैं यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ टीटू साहब की। आप कह रहे हैं 9 महीने और बीजेपी अभी से लगातार रैलियां करना शुरू कर चुकी है, उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है। मैं शुभम जी बताता हूँ, मुझे मौका दीजिए मैं बताता हूँ। सर देखिए, हर पार्टी अपना काम कर रही है। मेरा नेता, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा सांसद 1600 गांव में जाने का एक मिशन तैयार कर चुका और अब तक 100 से ऊपर गांव हो चुके हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां जयंत चौधरी की दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हम अपने मिशन पे लगे हुए हैं, हम अपने भाईचारे की बढ़ाने में काम कर रहे हैं, हम किसानों के सुख दुर्द में साथ खड़े हैं, ठीक है। हम हर घड़ी में मनीष साथ जी, खड़े हैं। मनीष ये जी, जो समय आएगा उसको फॉलो कर लिया जाएगा। मनीष जी, आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव के बयान को लेकर और जिस तरीके से जो पटना में बैठक हुई थी और उसके बाद से जो वहां पर नजर आ रहा था विपक्ष, वो धीरे 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 बिखरता नजर आ रहा है? देखिए दो बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। एक तो पीडी, देखिए अखिलेश यादव का पी मतलब पिछड़ा का मतलब वो जो सैफई का कुनबा है, क्योंकि जब सरकार बनती है तो उसी कुनबे का कैसे विकास हो, उनके भतीजे चाचा ताऊ और जो घर के लोग हैं उन्हीं के विकास को पिछड़ों का विकास मानते हैं। दलित अगर 2012 से 17 जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आंकड़े गवाह है कि सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई। यानी वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास ताकत आएगी तो हम दलितों का उत्पीड़न करेंगे। अल्पसंख्यक का मतलब कुछ बड़े लोग अल्पसंख्यकों के समाज से
जो बड़े लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनके अतिरिक्त इन लोगों ने तो जो पासमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब हैं, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए तो इन्होंने कोई काम किया नहीं, वो तो आज भी हाशिए पर खड़े हैं। दूसरा सवाल जो पटना का है, जहां तक तो पटना में देखिए, पटना की बैठक निष्फल नहीं हुई। पटना में कम से कम लालू जी ने राहुल जी की शादी की बात तो की, बस इतने के लिए बैठक थी मेरी समझ में पटना। ठीक है, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भुवन जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये 9 साल का जो कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना, इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार है। कहाँ गए 15 लाख आपके अकाउंट में, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां, और कहाँ ये जो इन्होंने भारतीय संविधान की, जो भारतीय लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, एक नया मोदी वॉशिंग पाउडर बनाकर अपने आप वो आरोप लगाते हैं कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट फिर इनके यहाँ शामिल हो जाते हैं। ठीक है, टीटू साहब, टीटू साहब, तो ये जवाब देना इनको, जनता को, ये कौन सा डिटर्जेंट का आविष्कार किया मोदी जी ने? ये तो आए थे भ्रष्टाचार पर चोट करने की, बहुत हमें याद है, और मोदी जी कह रहे थे मेरी गारंटी है, गारंटी भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए, देश समझ पाया कि वो गारंटी क्या है, वो गारंटी है कि इनके भारतीय जनता पार्टी परिवार से कि भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो रही है, उसका असर क्या है, धो दिया जाएगा। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की बनाई है। टीटू साहब बोलिए। शिवम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 9 साल का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, डबल इंजन की सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ, इनके पास तो इतना बड़ा खाता भाई होना चाहिए अपने कार्यक्रमों का, अपनी उपलब्धियों का। नहीं टीटू साहब, वो गिना रहे हैं, और अगर ऐसा ना होता, अगर उनको लोग पसंद नहीं करते, देखिए आंकड़े जो है, आंकड़ों पर बात करनी चाहिए, अगर ऐसा होता उनको पसंद ना करते, 22वें चुनाव हुआ भी कहां, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की उन्होंने सरकार बना ली। मैं शुभम जी 2 मिनट का मौका दीजिए जी, मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल नहीं टोकूंगा, बोलिए आप, बोलिए। मैं शुभम भाई ये कहना चाह रहा हूँ, आपके मैंने से कहा कि इनके पास बड़ी बहुत बड़ी खाता बही होनी चाहिए अपनी उपलब्धियों को, क्योंकि इन्होंने करा कुछ नहीं, इन्होंने गरीबी को खत्म नहीं करा, गरीब को खत्म करा है। आप देखिए 1100 रुपए का सिलेंडर, आप देखिए 140 रुपए किलो गृहिणी को टमाटर मिल रहा है, क्या ये किसान को पैसा मिल रहा है? MSP की आपने कमेटी बनाई, 700 किसान मर गए, आपने एक किसान के ठीक है परिवार, अब जवाब जवाब ले रहे हैं, अब जवाब ले रहे हैं, मनीष जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए देखिए शुभम जी, 22 में तो हमने सरकार बनाई ही, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जो नगर निगमों के चुनाव हुए, उससे स्पष्ट है कि हमने गरीबों को जो आवास दिया, गरीबों को जो शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, जो किसानों की फसलों की खरीद की, जो गन्ना किसानों का हमने रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो जो कानून का शासन स्थापित किया है, उससे जनता हमारे काम पर मोहर लगा रही है। अरे रामपुर हार गए आजमगढ़ नगर निगमों में 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई, तो निश्चित रूप से बिल्कुल बिल्कुल तो अलग पैटर्न पे होगा, तो 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि छोटे सेगमेंट में थोड़ा छोटे सेगमेंट में चुनाव थोड़ा और कई और इक्वेशन काम करते हैं, समीकरण काम करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं जब चुनाव लोकसभा का होगा 80 सीटें जीतेंगे। टीटू जी शोर मत मचाइए, कभी गरीबों के घर जाइए, कभी खेतों की तरफ जाइए, आम आदमी से मिलिए। टीटू जी आप कभी गए जिसको आवास मिला उससे मिलने, कभी उस व्यक्ति से मिलने गए जिसको शौचालय मिला, कभी उस किसान के यहाँ गए, कभी कभी उस किसान से मिलने गए जो सपा की सरकार में जिनको गन्ना का भुगतान नहीं होता था, आज भुगतान हो रहा है, नहीं गए, केवल डिबेट करते रहे। ठीक है केवी त्रिपाठी साहब, केवी त्रिपाठी साहब मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है केवी त्रिपाठी साहब मैं आपके पास आऊंगा। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार रैलियां करना शुरू कर चुकी है, प्रधानमंत्री जमीन पर उतर चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, बाकी कहीं और की नहीं। अभी उन्होंने गोरखपुर का दौरा किया, वाराणसी का दौरा किया, वंदे भारत की सौगात दी बूथ के अपने मंडल के जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित किया, 24 का उन्होंने आगाज कर दिया है। समाजवादी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है, अखिलेश यादव भी संपर्क कर रहे हैं, हालांकि अभी तक उनकी कोई रैली वैली नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही कहीं उत्तर प्रदेश में। शुभम जी सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय डरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की जो भी रैलियां और जो अभियान आप देख रहे हैं वो उनका डर है।
क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब वो सत्ता से जा रहे हैं। आज से ठीक 9 साल पहले इस देश में कांग्रेस ने 10 साल बहुमत की सरकार चलाई है और कांग्रेस इस देश पे शासन करती रही है और कांग्रेस को शासन आता है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल में बेनकाब हो गई है। मोदी जी का महामानव का जो चेहरा था वो आज बहुत धूल धूसरित हो चुका है और चाहे जो आप उसको बताते रहे, लेकिन एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है और अभी भी कर रही है उसे जनता देख रही है। तो आप चुनाव को हल्के में ले रहे हैं या फिर अभी नहीं, आप हल्के में नहीं ले रहे? शुभम जी आगे सुनिए ना, बोलने दीजिए। आपने जो प्रश्न पूछा उसे आने दीजिए। सर 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 बोलिए। विपक्ष की आवाज भाजपा को बुरी लगे टीवी तो सुन ले कम से कम। नहीं नहीं, थोड़ा सा संक्षेप में रखिए। दूसरा प्रश्न है, हाँ संक्षेप में ही रख रहा। आप अभी तीनों लोगों को बुला चुके, मुझे टाइम नहीं दिया था, थोड़ा आप भी ध्यान रखिए जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं, तो अभी मैं हमारी मीटिंग 4 तारीख को हुई है जिसमें हमने 2022 के विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों को लखनऊ बुला के उनकी बैठक की है। अभी 12 तारीख को हम लखनऊ में एक मौन सत्याग्रह करने जा रहे हैं क्योंकि ये सरकार सुनने पर राजी नहीं है, तो अब हम मौन से इन्हें सिखाएंगे क्योंकि हम गांधी के लोग हैं। और दूसरी बात, जो इस समय देश की इन्होंने स्थिति बना रखी है उसके लिए किसी चेहरे और किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो इनके ठीक है, बिल्कुल मुद्दों को जीएसटी ठीक है, मुद्दों को आपको उठाना चाहिए क्योंकि आप राजनीतिक दल है और लंबे समय तक आपने शासन किया है, आपको मुद्दे बिल्कुल उठाना चाहिए। विपक्ष में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, वो भी उठा रहे हैं लगातार, वो करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है? क्या आपको आत्म अवलोकन करने की जरूरत नहीं है? क्या आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है कि जिस स्टेट में आपने लंबे वक्त तक शासन किया हो, पूर्ण बहुमत की सरकारें चलाई हो, वहां आज आप किस हैसियत आपकी रह गई? वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों की आपसे ज्यादा सीट है, आपसे ज्यादा विधायक, और आप कहीं नदारद नजर आते हैं। एक दो पारंपरिक सीटों को छोड़ दिया जाए अगर, उसके अलावा आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे, कहीं संगठन नजर नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का जो सामान यहां पर लाया गया था वो भी वापस चला गया है। क्या ये आत्मचिंतन नहीं करने की जरूरत है आपको? शुभम जी बिल्कुल, हर पार्टी अपना आत्मचिंतन करती है और हम भी कर रहे हैं, लगातार संगठन पे काम कर रहे हैं। ठीक है कि कुछ यहाँ क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस रही, लेकिन प्रदेश की राजनीति में कहीं हाशिए पे पहुंची। जो हमारी कमियां थी उन्हें हम दूर कर रहे हैं, जमीन पे अपना धरातल पे संगठन मजबूत कर रहे हैं और इसका परिणाम आप देखिएगा 2024 में आपको दिखाई देगा। ठीक है ठीक है, अब बहुत देर तक आपको मैंने समय में दिया, मैं जरा बात कर लूं चूंकि समय बहुत कम है। त्रिपाठी साहब बहुत, मैं वापस आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी से मनीष जी हमारे साथ लगातार बने। मनीष जी आप डरपोक हैं, उन्होंने कहा है आप डरपोक हैं, डर रहे हैं इसलिए आप रैलियां करवाना शुरू कर दिया है आपने अभी से। नहीं ना बिल्कुल, देखिए हम तो मेहनत कश लोग हैं और हमारी पार्टी मेहनत कशों की है। अपने बल पर राजनीति करना है पार्टी को, कोई राजकुमारों की पार्टी तो है नहीं। तो निश्चित रूप से हम गांव में भी जाएंगे, हम चौपालों पर भी जाएंगे, नगरों में जाएंगे, महानगरों में भी जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे, चूंकि हम जनता की पार्टी है, राजमहलों की पार्टी तो है नहीं। तो जनता के बीच जाना है, अगर डरपोक होना है। त्रिपाठी साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं, बीजेपी डर रही है? आश्चर्यचकित हूं मैं तो, बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जनता के बीच अगर जो पार्टी जाती है, जो नेता जाता है। टीटू जी कुछ कहना चाह रहे? टीटू जी बोलिए 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 बोलिए। मैं शुभम भाई ये कहना चाह रहा हूँ, बातें करने को इनके पास बहुत कुछ है, हम बातों से इनसे नहीं जीत पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये किसानों के पास आप बताओ अगर वोट मांगने जाएंगे, आप बताओ तो आप बताओ ना कब टीटू जी, इन्होंने 15 दिन में करने की पेमेंट करने की बात जानते हो? मनीष जी रुक जाए, मनीष जी रुक जाए, मनीष जी बोलने दीजिए। ठीक है मनीष जी, चार लोग बोलने दीजिए, सबका जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं मनीष जी बोलने दीजिए, मनीष जी बोलने दीजिए, आपने भी कोई अवसर नहीं दिया। क्या किया आप मनीष जी? धैर्य रखिए भाई, इस तरह से शुभम जी कैसे तीन लोगों का जवाब देने का समय आप नहीं देंगे? ठीक है मनीष जी रुक जाइए, शुभम जी ऐसे नहीं चलेगा भाई। आप तीन लोगों का सवाल है, अकेले मुझसे सवाल है ना, तो जवाब तो मुझे देना है। नहीं मैं आपके पास आऊंगा ना, अभी आपके पास मैं आया, आपने जवाब दिया ना, अब आप बोलने दीजिए। नहीं नहीं आपने बीच में कहा 10 सेकंड भी नहीं बोलने दिया। देखो शुभम भाई, जो इन्होंने दो दफा बार बार मोमेंटम में अपने मैनोफेस्टो में रखा कि हम 15 दिन में किसानों की पेमेंट करेंगे, इन्होंने एमएसपी के लिए कमेटी बनाई, इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी देने की बात करी। ठीक है आरोपों की बात, चलिए ठीक है आरोपों की बात बहुत कर ली। आप ये बताइए इंजीत जी, एक बयान आया था ओपी राजभर का आपसे कुछ दिन पहले, आपने सुना होगा कि जयंत चौधरी भी बड़ा नाराज है और बीजेपी के संपर्क में है और हो सकता है जल्द ही वो भी जुड़ जाए इधर,
एनडीए के साथ आ जाएं? देखिए देखिए मैं बताऊं आपको, अगर इतनी ज्यादा अगर सत्ता के लोभी जयंत चौधरी होते तो फिर उन्हें 1600 इतने 40-45 के टेम्परेचर में उन्हें गांव-गांव जाके मीटिंग करने की क्या जरूरत है? वो तो सत्ता में आ जाएंगे और जीत जाएंगे। क्यों कह रहे हो ओपी राजभर ऐसा? नहीं, ये जो ये बीजेपी है कि जानबूझ के एक बाजार में न्यूज एक डाउटफुल स्थिति पैदा करने के लिए बयान करते हैं। ठीक है भुवन जी, भुवन जी, भुवन जी, बहुत नहीं जा रहा, बहुत देर हो गई। हमारा नेता का अपना टारगेट है, उस टारगेट पे काम हो रहा है। भुवन भुवन जी बोलिए। कि मैं कहना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी पे क्या कितनी दिक्कत है बताइए। 400 का सिलेंडर 1200 में, अब टमाटर की स्थिति देख लीजिए, टमाटर के लिए कमांडो रखने पड़ रहे हैं, आपने देखा नहीं? और बनारस में लोकतंत्र की कैसी हत्या हो रही है, एक ने विरोध पर सब्जी का टमाटर का कमांडो रख के उसकी सुरक्षा करनी चाहिए तो इन्होंने उसको पुलिस वालों ने उसको बुला लिया थाने में। तो नहीं, वो तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था, नेता था, वो सब्जी वाला नहीं था। मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग विपक्ष में क्या, अगर आप कोई बात को कल को विरोध करने लगेंगे हाँ। आपको पुलिस ले, ठीक है, आप सांकेतिक विरोध कर सकते हैं जी। आयु जी, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, ये तो कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का, देश बचाने का। ठीक है मनीष जी, लास्ट मिनट है पूरा आपको हवाले है, बोलिए। देखिए हम मूल विषय था जो आप अखिलेश यादव का बयान है, आपने उसी पे डिबेट बुलाई थी, डिबेट इधर चली गई थी। अखिलेश यादव सारे मुद्दों को हमने समाहित किया, इसलिए 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 नहीं, आप जो विषय था निराश और हताश है, और उस हताशा का प्रकटीकरण है उनका जो मुंबई में बयान है। क्योंकि देखिए जो विपक्ष है इनके अपने अपने जो इंटरेस्ट है, ये केवल अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार की संपत्ति बचाने के लिए, और परिवार की जो राजनीति है, जो सत्ता है, जो परिवार की पार्टी है, उसको बचाने की राजनीति कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी आम जनता के हितों की बात कर रही है, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति थे वहां तक। त्रिपाठी 10 सेकंड, त्रिपाठी 10 सेकंड, केवी त्रिपाठी 10 सेकंड। मैं यही कह रहा हूं कि मनीष जी अभी किसानों की बात कर रहे थे, 700 किसानों की हत्या हो गई किसान बिल पे, तब इनके चेहरे। ठीक है ठीक है, आप लोग विषयों के बजाय भटक कर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करने लगते हैं, तब डिबेट का रुख बदल जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी क्या हिट है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से सारे राजनीतिक दल अभी 24 के लक्ष्य को लेकर सोए हुए नजर आ रहे हैं, वहीं धरातल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रही है। प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, और मोदी योगी क्या एक बार फिर से करिश्मा करते नजर आएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।